स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 1.1 केजी ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ कैलोरी मीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.02 केजी एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसे मान सकते हैं कि हमारे पास है अभी 1.12 केजी वाटर है और जो है 15 डिग्री सेल्सियस पर। अब कब तक? टिल द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरी मीटर एंड इट्स कंटेन राइज टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर राइज हो रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पर, जिसको राइज होने के लिए कुछ हीट इसमें गई होगी। अब द मास ऑफ द स्टीम कंडेंस्ड इन किलोग्राम इज, तो मास पूछा है, तो मान लेते हैं एम मास है। अगर स्टीम की बात करें तो स्टीम में दो प्रोसेस होंगे। पहला प्रोसेस स्टीम के अंदर क्या हुआ होगा कि ये आपके 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम कन्वर्ट हुई होगी 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, और उसके बाद वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 80 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा। यहाँ पर सिस्टम से कुछ हीट रिलीज हुई है, तो वो रिलीज्ड हीट क्या हो गई? रिलीज्ड हीट हो गई एम इंटू एल एम एस डेल्टा टी। यहाँ पर एम मास है स्टीम का। अब एम मास स्टीम का है एम, एल की वैल्यू हमने रख दी है, एल की वैल्यू हो गई हमारी 540, एस की वैल्यू जो है 1, डेल्टा टी जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है स्टीम के वो हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस का, एंड इट विल बी 560 एम एस। तो इतनी हीट रिलीज हुई है। गेन कितनी हुई होगी? तो 1.12 केजी इंटू 1, और टेम्परेचर चेंज हुआ आपका 80 माइनस 15 दैट इज 65। कंजर्वेशन ऑफ हीट से हम लिख सकते हैं क्यू रिलीज्ड इज इक्वल टू क्यू गेन। क्यू रिलीज्ड जो है 560 एम एस, एंड क्यू गेन जो है आपकी 1.12 इंटू 65। तो एम एस की वैल्यू जो है वो हो गई 1.12 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 560, एंड दैट इज इक्वल टू, एंड इट इज इक्वल टू 0.13 केजी। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर हो जाता है।